अब बात करेंगे जितने भी थर्मोडायनामिक्स के लॉ हैं, मेनली जीरो लॉ और फर्स्ट लॉ की। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे जीरोथ लॉ की। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये क्या होता है? जीरोथ लॉ क्या होता है देखो, नोट करो जल्दी से, हेडिंग डालो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो क्या होता है, मान लिया कि दो सिस्टम है ए और बी, दो सिस्टम है ए और बी, ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों का टेम्परेचर लगभग सम सेम है, इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई तीसरा सिस्टम सी, अगर कोई तीसरा सिस्टम सी इन दोनों के कांटेक्ट में आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। मतलब अगर दो बिगड़ैल इंसान है और अगर तीसरा उनके कांटेक्ट में आ गया तो वो भी क्या हो जाएगा, बिगड़ैल हो जाएगा। तो अगर दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो अगर तीसरा उनके कांटेक्ट में आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, थर्मली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्लियर है ना? लिख लो इफ टू सिस्टम ए एंड बी, राइट डाउन, इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, विद ईच अदर, विद ईच अदर एंड एंड इन थर्मल इक्विलिब्रियम, एंड इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, विद अ थर्ड सिस्टम, विद अ थर्ड सिस्टम इन कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट विद ए एंड बी, इन कॉन्टेक्ट विद ए एंड बी। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये जो बनाया मैं सिंपल है। जल्दी से ड्रॉ करो, ये तो बिल्कुल बेकार सा लॉ था, कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं लग, पता नहीं पूछे भी ना जाए पूछे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अगला पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा लगभग थर्मोडायनामिक्स के 75% क्वेश्चन वहीं से निकलेंगे, है ना। सेकेंड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, FLTD। ये जो होता है लॉ, वो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन पर बेसिस होता है। मतलब कहने का मतलब है, इसके अकॉर्डिंग एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। लिखो अकॉर्डिंग टू FLTD, राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू FLTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू FLTD एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड
nor be destroyed energy can neither be created nor be destroyed but can only transfer from one body to another body. केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल लॉ, जो कि साइंटिस्ट आए बोल के चले गए, हमको इससे मतलब नहीं है। मतलब हमको किससे है, इसके मैथमेटिकल लॉ से। क्या है इसका मैथमेटिकल लॉ? इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि du इज इक्वल टू dq प्लस dw। du क्या है? पार्शियल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। dq क्या है? पार्शियल चेंज इन हीट। और dw क्या है? पार्शियल चेंज इन वर्क डन। क्लियर? अब जो भी प्रोसेस होगा उसका वर्क डन का फॉर्मूला रखते हैं। अगर आइसोथर्मल है तो माइनस पी डेल्टा वी रख दिया, अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो माइनस 2.303 एनआरटी लॉग वी 2.V1 रख दिया, अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो जो बताया वही फॉर्मूला रख देते हैं। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में लिखा होता है। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से फॉर्मूला आता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। देखो फिजिक्स में माइनस होता है, ध्यान रखना, फिजिक्स वाला लफड़ा मत पालना यहां पर। डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू। इस पे बेस्ड 75% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब अलग अलग प्रोसेस के लिए डेल्टा, अब इनकी बात करेंगे क्या होता है। देखो सबसे पहला, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? देखो आइसोलेटेड सिस्टम में क्यू की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, हीट में कोई भी चेंज नहीं होता। डब्ल्यू क्या होता है? क्यू की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। डब्ल्यू क्या होता है? जीरो होता है। जब क्यू जीरो हो गया, डब्ल्यू जीरो हो गया, तो भाई डेल्टा यू क्यों रहेगा? कहेगा हमें भी जीरो कर दो, हमें क्यों रख रहे हैं उनके साथ, इन्हीं के साथ जाने दो हमें भी। तो इन आइसोलेटेड में तीनों जीरो होते हैं, क्वेश्चन आता है यहां से, ध्यान रखना। दूसरा, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। जब इंटरनल एनर्जी जीरो होती है तो क्यू प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देखो आपको पता है कि हीट और वर्क डन दोनों पाथ फंक्शन होते हैं अलग अलग, लेकिन जो इन दोनों का सम है क्यू प्लस, देखो क्यू भी पाथ फंक्शन होता है, डब्ल्यू भी पाथ फंक्शन, लेकिन क्यू प्लस डब्ल्यू कौन सा फंक्शन होता है? ये स्टेट फंक्शन होता है, याद रखना। क्यू और डब्ल्यू अलग अलग पाथ फंक्शन होते हैं, लेकिन क्यू प्लस डब्ल्यू कौन सा फंक्शन होता है? वो स्टेट फंक्शन होता है। क्लियर? ठीक है, अगला, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मतलब जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट या आइसोकोरिक प्रोसेस में, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? एन सी वी डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। एन सी वी डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, अगला, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्यू प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा? ये दोनों जीरो को इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों प्रोसेस याद रखना बाकायदा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है और पूछा जाता है। क्लियर है? कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात नहीं करेंगे कि वहां पर एंथैल्पी आएगी, इसलिए उसकी बात यहां नहीं करते। कहने का मतलब है कि जो डेल्टा यू होता है वो किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है। क्लियर आउट है? जरा जल्दी से नोट करो, फिर हमें क्वेश्चन करना है।
अब हम हेडिंग डालेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब सुनना ध्यान से, अगर हम यहां पर एन की वैल्यू, इफ अगर एन की वैल्यू वन रख दें तो क्या आएगा, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये कौन सा हो गया प्रोसेस, आइसोथर्मल। पता है भाई आइसोथर्मल में क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अगर हम एन की वैल्यू जीरो रख दें, एन जीरो रख दो, वी की पावर जीरो, वन बन जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, मतलब कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम एन की पावर एन इज इक्वल टू क्या रखते हैं गामा, तो पीवी की पावर क्या बन जाएगा, गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा, अभी क्या बन जाएगा, एडिया रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस बन जाएगा। लो भाई अब यहां पर क्या होगा, गामा की वैल्यू, अब देखो स्लोप क्या होता है, सुनना ध्यान से, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। जब n की वैल्यू जीरो है, जब n की वैल्यू जीरो है तो ग्राफ क्या होगा, ये होगा, n इज इक्वल टू जीरो है, क्लियर है ना, जब n की वैल्यू जीरो है तो ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा, a से b जा रहे हैं, a इनिशियल पॉइंट, ये b है, क्योंकि प्रेशर क्या होगा इस पॉइंट पर कांस्टेंट होगा, क्लियर। अगर n की वैल्यू वन है तो क्या होगा बताओ भाई, ये क्या होगा, आइसोथर्मल का ग्राफ होगा, ऐसा ही तो होता है, अरे ऐसा ही तो होता है आइसोथर्मल का ग्राफ, पीवी ग्राफ में पी और वी के बीच कैसा ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपर बोले तो बनता है। जब एन की वैल्यू गामा होगी तो ये बनेगा, एन की वैल्यू गामा होगी तो ये बन जाएगा, और अगर एन की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि एन की वैल्यू इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, पीवी की इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है, सॉरी हाँ जी ठीक है, ये वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्लियर। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट का ग्राफ बन गया। ये होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। लेकिन एक बात सुनो, क्या बात सुनोगे, आपको पता है कि गामा की वैल्यू, अब हम इसकी बात करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन देते हैं इस पे, आप नोट करो पहले इसको, राइट डाउन। देखो पीवी प्लॉट, एक क्वेश्चन है, पीवी प्लॉट प्रेशर वॉल्यूम के बीच, पीवी प्लॉट फॉर टू गैसेस ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल नहीं है कोई, दोनों एडियाबेटिक हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस आर गिवन इन द फिगर, आपको बताना है कि ए और बी कौन सी गैसें होंगी, ठीक है। देखो ऑप्शन दे रहा हूं, हीलियम एंड H2 दूसरा, और H2 एंड हीलियम, मतलब इधर वाली ए है और इधर वाला बी है ना, याद रखना ही, ए और बी ऐसे बताना है, हीलियम एंड नियॉन और H2 एंड Cl2, आपको बताना है कि ए और बी कौन सी गैसें होंगी, दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस है, ए बी और दोनों बी, यहां पर आइसोथर्मल की बात नहीं कर रहा है कोई भी। देखो कैसे करेंगे, जिसका गामा ज्यादा होगा
जिसका गामा की वैल्यू ज्यादा होता है उसका स्लोप भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। आपको पता है गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है, 5/3 मतलब 1.66। गामा की वैल्यू डायटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है, 7/5 मतलब 1.4 आएगा, है ना। और गामा की वैल्यू पॉलीटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है, 4/3 मतलब 1.33। तो इन दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है, बैठ के चेक कर लो, बी वाले का ज्यादा है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, गामा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्लोप उसका ज्यादा होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, बी कौन होगा, बी कौन होगा। हाँ सही, तो ये क्या होगा, ए तुम्हारा कौन होगा, H2, और बी कौन होगा, हीलियम हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि बी क्या है, मोनोटॉमिक गैस है, और ए क्या है, डायटॉमिक गैस है। डायटॉमिक का जो हमारा गामा है वो मोनोटॉमिक से क्या है, कम है, क्लियर है ना। राइट डाउन, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मोनोटॉमिक गैस, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मोनोटॉमिक गैस गैस दैट इज कंप्रेस्ड, अब सुनना, दैट इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली एडियाबेटिकली फ्रॉम 16 लीटर टू 2 लीटर, कंप्रेस हो गया 16 से 2 लीटर में एट 300 केल्विन। तो T1 पता है, T2 निकालना है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, V1 upon T1 = V2 upon T2 मत लगाना, TV की पावर -1 लगाना। तुम देखो यहां पे, अरे भाई सुनो, जिसकी गामा की वैल्यू ज्यादा होती है, गामा की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना स्लोप ज्यादा होता है। तो मोनोटॉमिक का गामा ज्यादा है, तो इन दोनों मोनोटॉमिक कौन है, ये है और यही बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी कौन सी होगी गैस, हीलियम, और ए कौन सी होगी, H2 गैस होगी, याद रखो। टी और वी दिया है, ये T1 है, ये V1 है, ये V2 है, T2 पता करना है। T1 V1 की पावर गामा -1 = T2 V2 की पावर गामा -1। एक काम करो, यहां कर लो T1 upon T2 = V2 upon V1 की पावर गामा -1। T1 कितना है, 300, T2 हमसे पूछा है, V2 कितना है, 2 upon 16 की पावर 5/3 -1। तो ये आपका हो गया 1/8 की पावर, एलसीएम लो 2/3 आएगा। तो सबसे पहले 1/8 का क्यूब रूट लो, तो 1/8 का क्यूब रूट कितना आएगा, 1/2 आएगा। ऐसे करो, पहले 1/8 की पावर 1/3 निकालो और फिर इसका स्क्वायर, तो ये आएगा 1/2 और इसका स्क्वायर कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, 300 upon T2 पे। तो यहां से T2 कितना आ गया, 1200 केल्विन आ गया, सही है।